दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले कि क्या आप एक लिंक शेयर करके आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, हजार लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाना है और बाकी आपकी लिंक शेयर करनी, बस कुछ और नहीं करना। आपको ऑटोमेटिक पैसे आपके अकाउंट में, मतलब कि उस अकाउंट में मिलते जाएंगे। तो वो कौन सी वेबसाइट है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके, तो ये वीडियो पूरा देखना। और वहां पे आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और अगर अकाउंट बनाने में गलती करेंगे तो फिर वो अप्रूव भी नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा तभी आपको पता चलेगा। तो चले चलते आप लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां से मैं आपको अकाउंट बनाने का प्रोसेस बताऊंगा। जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे आपको जनरेट करनी है और उस लिंक को कहाँ पे और कैसे शेयर करनी है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले बता दूं, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी कैटेगरी चैनल मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो गाइज, आ चुके लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अपना जो कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, तो मैंने अपना जो फायरफॉक्स ओपन कर रखा है। और यहाँ पे आपको एक न्यू टैब में टाइप करना है hostinger.com, या फिर सिर्फ hostinger लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि ये हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हो। तो इस वेबसाइट के लिए मुझे होस्टिंग भी खरीदना है, मतलब सॉरी डोमेन भी खरीदा है। तो यहाँ से अभी देखिए gkwithneer.blogspot.com है जहाँ से मैं अभी gkwithneer.com को खरीदना चाहता हूँ, तो इसका भी एक वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। बट आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि अफिलिएट अकाउंट कैसे बनाते हैं होस्टिंगर में, जिससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आप अगर आप लिंक शेयर करते हैं अपनी खुद की, तो उससे आपको बहुत सारा कमीशन मिल सकता है आप किसी को परचेस करवाते हैं तो। अब देखिए उससे पहले क्या करना है, मैं आपको ये वापस वेबसाइट पे जाऊंगा, तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। अभी ये टेक्नोलॉजी की दो पोस्ट आ चुके हैं, बहुत सारी पोस्ट आने वाले हैं, और भी बहुत सारी पोस्ट इन फोल्डर्स में, लेकिन कुछ पोस्ट है वो गुजराती लैंग्वेज में, तो शायद आपको समझ में ना भी आए। तो हिंदी के लिए आप टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे ये तो मेरा लेआउट है ब्लॉगर का, उसको छोड़ देते हैं। होस्टिंगर पे वापस आते हैं, आप ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ऐड भी आए उसको भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐड चल रहा है तो ऐड क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, इस वजह से ऐड भी चल रहा है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं होस्टिंगर एफिलिएट लिख सकते हैं, तो भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी जहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अफिलिएट, हमारा स्पेलिंग गलत था तो एक एंटर कर देते हैं। और ये जो है इस वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो सीधे वहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे यहाँ से ही आना है तो भी आ सकते हो, इसके लिए आपको नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन जहाँ पे है उसके नीचे अफिलिएट प्रोग्राम लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे इसी पेज पे आ जाएंगे। तो फिलहाल कोई भी आप दोनों वेबसाइट में से कोई भी चूज़ कर सकते। तो एक को मैंने बंद कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक एक्सेस अफिलिएट प्लेटफॉर्म। जैसे क्लिक करते हैं तो एक और टैब ओपन हो चुका है, तो एक अच्छी बात नहीं है कि बार बार अलग अलग टॉपिक यहाँ पे, मतलब टैब चूज़ कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बोल रहा है, लेकिन हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है तो हम क्या डालें। उसके लिए आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे पार्टनर साइनअप पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोर स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और ये फोर स्टेप में क्या है, पहले अपने अकाउंट का डिटेल देना होगा, जैसे कि कंपनी का नाम या फिर अपना खुद का नाम, फिर वेबसाइट आप किस वेबसाइट के थ्रू आपको अफिलिएट प्रमोट करना चाहते हैं, एड्रेस यहाँ पे डालना है, सिटी डालनी है, फिर यहाँ पे कंट्री डालनी है, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, टैक्स आईडी नहीं ज़रूरत यहाँ पे इस टाइम तो, और फ़ोन नंबर डाल दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी उसको आप यूज़र डिटेल और एडिशनल क्वेश्चंस और यूज़र एग्रीमेंट जो भी हो आपको साइनअप करना पड़ेगा। तो फटाफट यहाँ पे जो ये डिटेल है देखे हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स डाल दिए, जैसे भी मैंने यहाँ पे अपने कंपनी का नाम, मतलब अपने यूट्यूब चैनल का ही नाम दे दिया है, और इसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, और फिर एड्रेस दे दिया, फिर यहाँ पे सिटी दे दी है, एड्रेस टू में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर इसके बाद इंडिया, गुजरात, फिर अपना पिन नंबर डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को हम थोड़ा एक्सटेंड कर ले, +91 कर लेते, जिससे पता चले उन लोगों को ये इंडिया का नंबर है। और इसके बाद यहाँ पे डिटेल आपको हाइट देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये सब कुछ सही सही भर देना, टैक्स आईडी की कोई ज़रूरत इस टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फटाफट यहाँ पे अपना खुद का नाम दे देते हैं इस बार, तो यहाँ से मैं अपना खुद का नाम एंट्री कर लेता हूँ। उसके बाद मतलब जो भी डिटेल वो आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया, फर्स्ट नेम में अपना खुद का नाम दिया, फिर लास्ट में मैंने अपना सरनेम दिया है,
फिर टाइटल में कोई डालने की जरूरत नहीं, पहले ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड दोनों में सेम डाल दिया और ये सब कुछ टिक मार्क होना जरूरी है ताकि आपका अच्छा अकाउंट सिक्योर रहे। और एक्सेलेंट लिखना भी जरूरी है ताकि पासवर्ड एक सिक्योर आपको पता चले कि आपका पासवर्ड बिल्कुल सिक्योर है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो मेन बात आती है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है हाउ डू यू इंटेंड प्रमोट योर होस्टिंगर, मतलब ब्रांड आप होस्टिंगर को कहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे ही करना चाहूँगा, तो यूट्यूब को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में है यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, तो फटाफट यहाँ पे यूआरएल भी दे देना है अपना, जो वेबसाइट हो आपके पास अच्छी खासी वेबसाइट ट्रैफिक दे रही हो उस वेबसाइट का भी ट्रैफिक मतलब यूआरएल दे सकते हो, या फिर आपके पास अच्छे खासे यूट्यूब है मतलब अच्छे खास सब्सक्राइबर है तो उस हिसाब से भी आप यूट्यूब चैनल को भी यूट्यूब चैनल की लिंक भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे लिंक देने के बाद लिखा है विच इज़ बेस्ट डिस्क्राइब योर एक्टिविटी, तो फिलहाल मैं इसको अभी अदर कर लेता हूँ। और इसके बाद YouTube सब्सक्राइबर कितने हैं, तो यहाँ पे लिखा है तो मैं 30,000 प्लस कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे फिर से 30,000 प्लस तो यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 30,000 के कर लेते हैं ओके। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आई अंडरस्टैंड दैट मिनिमम पे आर थ्रू, तो 3 कन्वर्सेशन बिल्कुल यस कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू प्लान टू यूज़ पीपीसी मेथड प्रमोट होस्टिंगर, तो फिलहाल अभी इसको यस ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दी गई है जो कि अगर आपको टाइम है, अच्छी खासा टाइम है आपके पास, तो पढ़ लीजिए। फिलहाल मेरे पास तो वीडियो बनाने का टाइम है तो अभी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तो इसको सारे टिक मार कर लेते हैं। हमें परमिशन मतलब हम सब कुछ एग्री करते हैं। फिर आई एम नॉट रोबोट पे आप क्लिक कर देना है क्योंकि हम रोबोट नहीं है, एक इंसान है जो आपके सामने अभी बोल रहा है। फिर यहाँ पे साइन अप पे हम क्लिक करते हैं। जैसे साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक ऊपर मैसेज मिलेगा फेल टू क्रिएट पार्टनर यूज ऑलरेडी एग्जिट दिस ईमेल, ओके यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस पे ऑलरेडी एक अकाउंट है इस वजह से मुझे इस तरह से देखने को मिला। तो यहाँ पे फिर से हम उसी पोजीशन पे आ चुके हैं पार्टनर टू साइन अप, और सब कुछ डिटेल दी है लेकिन अभी ईमेल चेंज करने के लिए मुझे ऑप्शन मिला है, बाकी डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ये गलती हो चुकी है, आपको ये गलती नहीं करनी कि उसी ईमेल पे आपको दूसरा अकाउंट नहीं बनाना। तो मेरा यही ईमेल मतलब दूसरा ईमेल हम एंट्री करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। सो यहाँ पे मैंने दूसरा ईमेल आईडी डाल दिया है, अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी डिटेल्स मैंने पहले ही डाल दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईमेल बिल्कुल वही डालनी है जो जिसपे अकाउंट पहले नहीं हो, तो बाकी की प्रोसेस आपको वैसे ही कर देने हैं। अभी मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाकी सब कुछ हमारा भरा हुआ है। तो यहाँ पे दो टिक मार्क करना अभी भूल रहा है तो वापस कर लेते हैं आई एम नॉट रोबोट, क्योंकि हम फिर से पहले बताए वैसे ही हम इंसान ही हैं। तो साइन अप पे हम क्लिक करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको भी। और सेव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा योर एप्लीकेशन इज करेंटली बीइंग रिव्यू एंड अकाउंट मैनेजर विल बी कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, मतलब कि यहाँ पे आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है और इस बीच में आपको अपनी ईमेल आईडी पे मेल मिलेगा अगर अप्रूव करते हैं तो। रिजेक्ट भी होने का चांस है अगर उनको नहीं लगता रिव्यू करने के बाद कि भाई 30,000 सब्सक्राइबर वाले को हमें प्रमोट नहीं करवाना, अकाउंट नहीं देना, तो ना भी दे। बट आपके हिसाब से है कि अगर आपने 50,000 लिख के रखा है मतलब आपके अकाउंट में 50 यूट्यूब चैनल 50,000 सब्सक्राइबर या लाख सब्सक्राइबर है इतने डाले तो हो सकता है आपको अप्रूवल मिल भी जाए। मुझे शायद रिजेक्ट भी हो सकता है, मेरा कोई फिक्स नहीं है। अगर आपका 24 से 48 घंटे में मेल आ जाएगा अप्रूव का तो फिर कोई टेंशन नहीं, आपका इजी अकाउंट हो जाएगा। अगर मेरा खुद आ जाता है तो मैं आपको आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो अकाउंट बनाने का तरीका यही है, अगर मुझे अप्रूवल मिल जाता है तो मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आपको लिंक बनाना है, कैसे जनरेट करना है, उसको कैसे शेयर करना है। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।